हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने खालसा इंटर कॉलेज में मतदान किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सुमित हृदेश ने कहा कि जनता में परिवर्तन की लहर है और मतदाता कांग्रेस के साथ है, जो कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। जनता पढ़े लिखे समझदार है, युवा कर्णधार है और उन्हें पता है वोट कहाँ करना है। वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे व पूर्व विधायक संजीव आर्य और पत्नी सहित मतदान किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि अब लोगों को समझाने और उन पर दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि वोट कहां करना है। कांग्रेस ही लोगों की असली उम्मीद है और इस बार जनता का मन कोरे भाषणों और मुद्दे रहित विषयों से हट चुका है। भ्रष्टाचारी सरकार के नकेल कसने को लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो कि लोकतंत्र का बहुत सुखद एहसास है। नहीं, बहुत अच्छी उम्मीद है और प्रकाश जोशी जी एक ऐसा विकल्प हैं इस पूरी लोकसभा के लिए। ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी पार्टी से हैं जिन्होंने जो गारंटियां दी हैं, जो न्याय योजनाएं हैं, उससे सामाजिक समानता, सामाजिक सरोकार, संविधान के जो मूलभूत आधार हैं उनको संरक्षित भी रखा जाएगा और आगे भी बढ़ाया जाएगा। माहौल कैसे देख रहे हैं, पहाड़ में भी आप गए, तराई में भी आप गए? ये माहौल परिवर्तन का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को गलत फहमी ना हो, मतदाता ने चुप्पी साधी हुई थी और ये चुप्पी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। 400 सीटों पे तो भाजपा लड़ ही नहीं रही है। पहले 400 सीटों की सूची ले आइए आप जिसमें भाजपा लड़ रही हो, तो जब 400 सीटों पे वो लड़ ही नहीं रही है तो 400 बार कहाँ से जाएगी? देखिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में संविधान ने हमको अपनी सरकार चुनने का अवसर दिया है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के परिदृश्य में हमने इस चुनाव में लगातार जनता से अपील की है कि व्यवस्था परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीब वंचित निर्बल शोषित समाज के संग निरंतर बढ़ता अन्याय हो, जो बुनियादी आवश्यकताएं थी इस प्रदेश की, कहीं ना कहीं आज वो छिन्न भिन्न दिखती है। और कांग्रेस ने अपने न्याय संकल्प पत्र में जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, जो गरीब की मांग है, जो वंचित की मांग है, जो निर्बल की मांग है, जो शोषित की मांग है, महिलाओं के सशक्तिकरण की मांग है, हमने तमाम उन मुद्दों को लेकर अग्निवीर योजना इस प्रदेश में हमारे सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए घातक सिद्ध हुई है, उस योजना को समाप्त करने की मांग हो, हमने तमाम उन मुद्दों को छुआ है, जनता के बीच गए हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, व्यवस्था बदलने को जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस के पाँचों प्रत्याशी और देश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। देखिए, लोकतंत्र का महान पर्व और सभी हमारे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए और निश्चित रूप से जनता का फैसला करना है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के पक्ष में हमारे महान मतदाता अपना मतदान करेंगे और उत्तराखंड में भी सभी जो हमारे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके पक्ष में मतदान करेंगे और हमें अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, समर्थन देंगे, ये उम्मीद है हमें। सर, पहाड़ से लेकर मैदान तक माहौल कैसा है, परो क्या है? देखिए, जो रुझान था, जो माहौल है, बदलाव का माहौल दिख रहा है, परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। अब 2014 का माहौल नहीं है, 2019 का माहौल नहीं दिख रहा है, माहौल दिख रहा है बदलाव का। और जो मैंने देखा है, नज़दीक से देखा है, पता, मैंने महान मतदाताओं से बातचीत की है और आभास होता है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा, हक में होगा।